मानशिंदे ने जय को देख लिया, अंकल फंस गए। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि तुम कल मानशिंदे जी के साथ ऑफिस जाओगी? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। लोखंडे जी, मैं क्या कहता हूँ कि अब उस कंपनी के मालिक को अपने किए पे पछतावा हो गया है, तो अब जया बेटी को मानशिंदे के साथ दफ्तर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना छोटू? कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, गणेश जी, आवश्यकता है, जरूर आवश्यकता है। इतना बड़ा वकील सामने खड़ा हो गया, इसलिए वो अमीर पिघल गया, वरना ये अमीर लोग तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, नालायक। बेटी, कल मानशिंदे को लेके साथ में लेके जाना। अच्छा चलो, अभी असली नींबू शरबत देता हूँ। नाटक मत कर, चल। चल ये इसमें डालो। गड़बड़ हो गया अंकल, कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचिए। जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने का वक्त खत्म हो गया बेटा, अब फटाफट कुछ करना पड़ेगा। ओके। एक मिनट मिस पालपन, ये आप क्या कर रही है? पीसी ने बोला ना कि सोचने का टाइम गया, अब कुछ करना है, तो मैं लिपस्टिक लगाने बैठ गई। देवा उर्मिला, उसका गला खोल दो। उन्हें अपना काम करने दो ना, वो अपना काम करेंगे तभी तो हम अपना काम कर पाएंगे। मिस मालपानी, कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। हम सबको जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, वरना हमारी जिंदगी का कल आखिरी दिन होगा। जय भाई, क्यों ना अपन आपका भी पुतला बना डालते, क्या बोलते हो? उर्मिला, तू उठ वहां से, उठ। मिस मालपानी वहां से उठ। इधर आके बैठा। थैंक गॉड। और सुन, जया के लिए वो घोचू सदाशिव ना जेवी है, ठीक है? मानशिंदे के लिए मैं जेवी हूँ। एक या 100 पुतले भी बनाइए ना, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही अलग है। इसलिए तुम दोनों का ऑफिस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानशिंदे और जया भाभी दोनों एक साथ ऑफिस जाने वाले हैं। बेटा, हमें जया और मानशिंदे को, दोनों को एक साथ ऑफिस जाने से रोकना होगा। क्या क्या बात कर रहे हो अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉरी जय, आज पहली बार मेरा दिमाग बंद हो गया। भाई मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ सूझेगा नहीं ना, तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। डू यू ट्रस्ट मी? ये क्या बेहुदा सवाल है बेटा, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। एंड देन अभी जो कुछ भी आपने कहा ना, हम एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे, हम ये कंपनी बंद करेंगे। जय, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कंपनी बंद कर दोगे? यस मिस कालिया, हम ये कंपनी बंद करेंगे, क्योंकि जया को इस नौकरी से निकालने का इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। इट्स राइट, हमें ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। मिस कालिया, आपको एक काम करना है, कल जया और मानशिंदे ऑफिस जाए उससे पहले आपको वहां पर जाना होगा और सारे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना होगा कि हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं। ओके, यू हैव टू डू दिस। पर जय, इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे एम्प्लॉयज, अचानक से सब रातों रात बंद करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज का क्या होगा, सब कहां जाएंगे? अरे उनको हम शिफ्ट कर देंगे, थोड़ी दिनों की छुट्टी दे देंगे, उसके बाद किसी और कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। वो सब उसके बारे में मत सोचो, वो सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन याद रहे, आपको कल मानशिंदे और जया ऑफिस पहुंचे उससे पहले आपको वहां जाना है। ओके ओके। डैड, आई एम रियली सॉरी डैड, इतना बड़ा कदम मैं उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान।
जय, मैं अपने निजी नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट माइंड वेल, हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आई प्रॉमिस यू ऐसा कुछ नहीं होगा। नुकसान के बारे में मत सोचो बेटा, ये सब तुम्हारा ही तो है, बस तुम्हारा ये रिश्ता बना रहे। थैंक यू डैड। हाँ जय भाई, अब चाहे ना आपकी एक कंपनी बंद हो या सारी कंपनी बंद हो जाए। अरे क्या बोल रही है, मेरा मतलब है कि अब चाहे ना जो कुछ भी हो जाए जय भाई, लेकिन ये बहन ना अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और ये रिश्ता बना के ही रहेगी। वेरी गुड उर्मिला मेरे भाई। हाँ। अरे वेरी गुड उर्मिला और मेरे भाई, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। सुषमा के साथ मेरी शादी भले एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन सबसे पहले मैं तेरी मदद करूंगा। मेरा रिश्ता भले ना हो, लेकिन तेरा रिश्ता हमेशा बना रहे। जय, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि जितना समंदर में पानी नहीं है ना, उससे ज्यादा तुम्हारा और जया का प्यार बना रहे। थैंक यू मिस मुंबई। हमें कितना भी नुकसान झेलना पड़े, लेकिन तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए हम सब अपनी जी जान लगा देंगे। जय भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा। क्या फैमिली दिया आपने मुझे डैड। सच में यार, आप सबको देने के लिए मेरे पास इन दो शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या? सीरियसली गाइस, थैंक यू। सो स्वीट। और सिर्फ मेरा नहीं, हमारा ये रिश्ता हमेशा हमेशा बना रहे। यस यस। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ है। बाहर निकलो मालिक लोग, बाहर निकलो। काम मिलेगा नहीं, हमें कम मिलेगा, हमारा तनख्वाह बाकी है, ये तो नहीं चलाकी है। मालिक लोग बाहर निकलो, काम मिलेगा मालिक लोग बाहर निकलो। मैडम ये भीड़ कैसी है? पता नहीं, और ये वॉचमैन वहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा तनख्वाह बाकी है, ये तो नहीं चला की है। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ है। बाहर निकलो ये अचानक यहाँ पे क्या हो गया है? मैडम वो आपने बॉस से माफी मांगने की बात की थी ना, तो बॉस ने गुस्से में आके कंपनी ही बंद कर दी। क्या? हाँ मैडम, रातों रात सबको एक ईमेल आया, यू ऑल आर रिलीव्ड ऑफ योर ड्यूटीज फॉरएवर। हम सब की नौकरियां चली गई हमेशा हमेशा के लिए, अब हमें कभी सैलरी नहीं मिलेगी। मेरी वजह से आप सब लोगों का इतना नुकसान, कंपनी बंद कर दी, मतलब ऐसे कैसे कंपनी बंद करेगा? मैं तो इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करूंगा। हाँ हाँ वकील साहब, तुम एक काम करो, आज ही जाके केस फाइल कर दो, और फिर हमें तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और हमें तो बची हुई सैलरी भी नहीं मिलेगी। अंकल, इतने सारे लोगों के पेट और परिवार का सवाल है, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से आप सब लोगों को इतना सब भुगतना पड़ रहा है। जेवी सर, आपके खिलाफ तो यहाँ पे सब लोग नारे लगा रहे हैं, और आप इस भीड़ में क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जेवी सर, ये घोचू, ये कैसे होगा? जेवी सर, कल तो मैं किसी और से मिला था। नहीं अंकल, यही तो बॉस है, मुझे पता है ना। अरे नहीं जया बेटी, ये बॉस नहीं है, मुझे पता है ना। अरे इससे पहले मामला हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ करना होगा। नहीं अंकल, यही जेवी है, इस कंपनी के बॉस। जया बेटी, बॉस कोई और है, ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना।
मैडम मैं तुम्हारा दस नहीं है, ये जो आदमी है ये जेवी है और यही हमारा बॉस है, एक नंबर का कमीना टाइप का आदमी है। आपको पता है हम सारे एम्प्लॉयज के नाजुक कंधों पर बंदूक रख के डिश्कियाओ गोली चलाता है। तभी मैं सोचूं कल वाला आदमी इतना डरा हुआ क्यों था। राइट जयाबिड़ी, कल ये आदमी किसी और की तरफ उंगली दिखाकर ये बता रहा था कि उसने तुम्हें नौकरी से निकाल लिया और बार बार मुझे ये बता रहा था कि मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। इसका मतलब इसने मुझे भी बेवकूफ बनाया। यस। देखो 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 ये भेष बदल कर हमारे सामने खड़ा है और देख रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मारो इसे, मारो मारो, मारो! रुक जाइए, मत मारिए इन्हें। बस बस मत मारो बस। तुझे तो मैं जेल में डलवा कर रहूंगा, समझे? ओह नो 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 नो, प्लीज इनको जेल में मत डालिए वरना हम सबकी सैलरी रुक जाएगी। नहीं 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 नहीं, डालो मुझे जेल में ही डालो। थैंक यू। वहाँ के लोग तुम लोग से तो अच्छे होंगे, इतनी कुटाई तो नहीं करेंगे। नहीं अंकल, आप प्लीज रहने दीजिए, मुझे लगता है कि इन्हें इनके किए की सजा मिल गई है और मेरी वजह से इन सब लोगों को इतना भुगतना पड़े ये सही नहीं है। नहीं करनी मुझे यहाँ पे नौकरी। आप इस केस को आगे मत बढ़ाइए प्लीज। ठीक है जय बेटी, तुम कहती तो इसे छोड़ देता हूँ वरना इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजा देता। अंकल उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ से चलिए, चलिए हम घर चलते हैं। चलो। कितना मारा मुझे, अधमरा कर दिया। अरे आप लोग मुझे मार ही क्यों नहीं डालते? सदाशिव, आई एम इम्प्रेस्ड। खुशी का मौका है यार, जो जी में आए वो बोलो। अरे सोचो सोचो, सब निपट गया और मुझे सामने भी नहीं आना पड़ा। कैन यू बिलीव दैट? दैट इज टू मच। दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। यस यस, पार्टी पार्टी पार्टी। ए तुम्हारी पार्टी ऑलरेडी चल रही, देखो ना। ही इज राइट। अब गधे, ये पानी है फॉर अ चेंज। एक सेकंड। जय, यू आर सो स्मार्ट। गरीब रहने के लिए, बचने के लिए क्या क्या आइडियाज लेके आते हो तुम? तुम ना गरीबों के शर्लक होम्स हो। द पॉइंट इज, अंध भला तो सब भला। या राइट। और डैड आपको पता मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया टू बैंकॉक। क्या क्या हुआ? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी अच्छी बात है। अच्छा ना? बात तो अच्छी है लेकिन वापस तो आएंगे ना? देखो सबको भरोसा नहीं लेकिन सदाशिव जरूर आएगा पिंकी के चक्कर में। और अच्छा ना वो दोनों वहां पर है, दोनों को साथ में टाइम मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगी, हो सकता है दोनों की जोड़ी जम जाए। अरे हाँ, इस बात पर तो पार्टी बनती है, बनती है ना? एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? काहे की पार्टी बनती है? जय तो दुनिया भर की जोड़ी बना सकता है लेकिन मेरी और सुषमा की जोड़ी नहीं बना सकता, है कि नहीं? तू कितना सड़ू है रे? सैड होने से बात ही है। ए जय, तू कर क्या रहा है? करेंगे। क्या करेंगे भाई? मैंने एक चीज समझ ली है कि मैं तुझ पर डिपेंड नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं भी जावा सुषमा भी जावा, मैं भी यहाँ सुषमा भी यहाँ। अब देख मैं क्या करता हूँ बेटा, देख। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, तेरे को पता है क्या? अब वो दिन गए। ए उर्मिला, शुभ शुभ बोला। शुभ शुभ क्या, सच सच बोल रही है। तेरी सुषमा ना जा रही है।
कहाँ जा रही है? मेरे को क्या पता? जय, मैं अभी जाता हूँ, उसको रोकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसको रोकता हूँ। अरे दीपक बन के जाएगा ना तो कोई नहीं सुनने वाला तेरी बात। ज्ञानचंद बन गया फिर भी तेरा कोई चांस है। करेक्ट, करेक्ट, ज्ञानचंद, 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 ज्ञानचंद। इधर ए, रे, ए। ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद। उर्मिला, उर्मिला, चलो बेटा, हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं, पागल हो गया है ये, कुछ गड़बड़ कर देगा तो। चलो मैं भी चलती हूँ। मालवनी, तुम मत आओ हमारे साथ। हाँ आने दे बेटा, आने दे, पता नहीं किसकी कब जरूरत पड़ी है। ये भी है। अच्छा चल 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 चल। लोखंडे जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, सुषमा बेटी कहीं जा रही है? हाँ वो जा रही है। ऐसे कैसे जा सकती है सुषमा बेटी? उसको कहना था ना कि आपको कि ज्ञानचंद जी महाबापू ने उसे अपनी सौगंध दी है। क्या अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो शायद मैं उसे रोक पाता। अब तो वो चली गई सुधाकर के साथ। क्या, सुधाकर के साथ? हाँ वो चली गई चंद्रपुर, तो सुधाकर उसे छोड़ने के लिए गया है। महाबापू जी, सुषमा अब हमारी मासी के यहाँ पे रहेगी। वो वहां रहकर ना गरीबों की सेवा करेगी। लेकिन मुझसे बगैर कुछ बच्ची कैसे जा सकती है लोखंडे जी? सच बताओ, आप हमेशा कहते थे ना महासंस्कारी दीपक, महासंस्कारी दीपक, तो बेचारी डर गई। उसे ऐसा लगा कहीं मैं आपके बातों में आकर सचमुच उसका विवाह दीपक से ना कर बैठूं। आजकल के बच्चे कुछ कह नहीं सकते ना, उनको बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जी जी। कायम के लिए चली गई क्या? कायम मतलब हमेशा, हमेशा के लिए चली गई क्या? हाँ हमेशा वही रहेगी और वही रहकर वो गरीबों की सेवा करेगी। अरे कोई बात नहीं, अगर सुषमा बेटी वहां चली गई है तो हम भी सुषमा बेटी के पास जाएंगे। ठीक है, वैसे आप भी उसे पिता समान है। जब भी मैं जाऊंगा चंद्रपुर तो आपको लेके जाऊंगा, वैसे भी 2 टिकट तो मैं निकालता ही हूँ। चलो बेटे। अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए था यार, ऐसे कैसे, मैंने सच्चा प्यार किया था। अरे दीपक, 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 आ जा, आ जा, प्लीज प्लीज डोंट वरी, चल चल चल, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आ जा। कोई बात नहीं, होता है, ऐसे होता है। सुषमा तो चली गई, अब दीपक पागल हो जाएगा। उसके पागल होने से पहले एक दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, वरना वो सब गड़बड़ कर देगा। हाँ सुषमा बेटी पहुंच गई। हाँ अब शांति से रहो वहां और अच्छी तरह से गरीबों की सेवा करो। हाँ और याद रखना जया को फोन करते रहो। हाँ वो बहुत उदास हो चुके हैं तुम्हारे जाने के बाद, और तुम भी वहां उदास मत होना। हाँ हाँ मैं बात करते रहूंगा। हाँ खुश रहो, खुश रहो। अच्छा अच्छा वाह वाह पंकज उदास जी। अरे पंकज उदास नहीं है, खुश हो गए कब? हे भगवान, मैंने कहा पंकज उदास नहीं है, उदास है। द नहीं ध, धुन धुतो ना अपन। हाँ धू ध। अच्छा
मुझे शक हुआ ही था काका, इतना अच्छा गाने वाले उदास तो नहीं हो सकते। ये ऊपर जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो तूने क्या लिया उसके पास, क्या लेके आया? काका जब आपको पता नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा मैं क्या लेके आया हूँ? अरे मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आया है ना गाना गाते गाते, वो क्या लेके आया? अरे हाँ, अभी अभी ये आश्रम में आपके नाम की चिट्ठी आई थी, दत्ता भाव अभी देखे गए। महाराष्ट्र राज्य सरकार की चिट्ठी है? हाँ? रे बाप रे, ये बात मैं अब जया को कैसे बताऊंगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.